फूलों की बारिश, जय श्री राम का जय घोष और हर तरफ भगवा ध्वज। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा का स्वागत कुछ इसी अंदाज में हो रहा है। पहले दिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा बागेश्वर धाम से 20 किलोमीटर कदारी गांव तक निकली। पदयात्रा में शामिल होने के लिए कई राज्यों के श्रद्धालु बागेश्वर धाम पहुंचे थे। भारी भीड़ के बीच नेशनल हाईवे 39 भगवा रंग में रंगा नजर आया। श्रद्धालुओं के उत्साह से उत्साहित बाबा बागेश्वर ने कहा कि ये पदयात्रा नया इतिहास लिखेगी। ये देश एक नया इतिहास लिख रहा है। सब हिंदू, लाखों हिंदू एक होकर के संकल्प लेंगे, जो हिंदुत्व के लिए चाहता है उसको अब अपने गांव गांव क्षेत्र क्षेत्र में जात पात को मिटाकर हिंदू एकता का संकल्प लेंगे। पहले दिन की यात्रा में संत गोपाल मणि, कथा व्यास संजीव कृष्ण ठाकुर, इंद्रेश उपाध्याय, हनुमानगढ़ी, अयोध्या के महंत राजू दास महाराज जैसे संत शामिल हुए। आने वाले दिनों में यात्रा में जगत गुरु राघवाचार्य, कथा व्यास अनिरुद्धाचार्य, गोविंद देवगिरी जैसे संत भी शामिल होंगे। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.